ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਮਚਾਉਂਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦੇਖਾ ਨੱਕ ਹਥਿਆਰ ਗਲ ਵਾਲੀ ਕਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੱਟੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਜੇ ਬਣਾਉ ਕੁੜੀ ਸਾਨਾ ਜਿਹੇ ਜੱਟ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਜੇ ਬਣਾਉ। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे यार आप सारे, होपफुली सब बढ़िया होगे गाइज। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा विंटेज गाड़ी। भाई अगर कोई मतलब कार लवर होगा ना, जो कार इंथुसियास्ट होगा, उसको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ गाड़ी का मॉडल और गाड़ी कौन सी है, पहले तो गाड़ी की लेंथ चेक करो, देख लो आप भाई वाइड एंगल में कितनी बड़ी आ रही है। तो भाई मॉडल है ये 1966 का इम्पाला, शेवरलेट इम्पाला, जिस जो कि इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते थे इंजन के। एक आता था हमारा V8 और V6। V6 में मिलता था 7.4 लीटर, सॉरी V8 में मिलता था 7.4 लीटर का इंजन, और जो हमारा V6 आता था उसके अंदर आपको मिलता था 4.1 लीटर का इंजन। ठीक है, बात कर लो अगर इसकी, मतलब यार मतलब सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रही है ना, इतनी लंबी गाड़ी है, ठीक है। और अगर आप इसका एयर इंटेक और आगे की फ्रंट प्रोफाइल देखो तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। मतलब ये मान लो जो आज के टाइम पे ओडी R8 में और हमारा लैंड क्रूजर में जो V6 V8 इंजन आते हैं वो इसके अंदर आते थे। भाई मैं इसका इंजन खोल के नहीं दिखा सकता आपको, उसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी इंटीरियर से आपको चेक करा सकता हूँ कि कैसे। बात करूँगा साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल कुछ इसकी ऐसी आती थी उस टाइम पर, 1966 का मॉडल है ये, ठीक है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 16 इंची के टायर्स मिलते हैं, ठीक है। और 16 इंची के ये लिखी टायर प्रोफाइल 16 इंची 4W 16 इंची, ठीक है। और यहाँ पे कुछ MPA की बैजिंग मिलती थी इसमें, इसके अंदर आपको। और चल, और भाई इसके डोर हैंडल्स देखो कैसे आते थे, कुछ इस तरीके के। यहाँ से प्रेस करोगे तो ये डोर खुल जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिलता था। ये ग्रैब हैंडल हो गया, ये शीशे अप डाउन के लिए हो गया, और ये हमारा फ्यूल गेज हो गया। और यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर है, कुछ ऐसा देख सकते हो आप। यहाँ पे आपका एनालॉग मिल जाता था हमारे को, ठीक है। और ये था कुछ स्टीयरिंग व्हील, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसका गियर बॉक्स। और उस टाइम भी देखो भाई एसी विंड्स, उस टाइम के एसी विंड्स हैं। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के ऑप्शन मिल जाते थे, बाकी यहाँ लाइट के स्विचेस वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो पैडल जो है हमारे रेस, एक्सेलेरेटर, ब्रेक के थे। और गियर लीवर देख सकते हो कि भाई अंदर से आप देखो ना तो फ्रंट पे कम से कम तीन चार आदमी इजीली बैठ सकते थे। ग्लव बॉक्स कुछ वैसा दिखता है, आप देख सकते हो, ठीक है। भाई पीछे की रियर प्रोफाइल देखो आप, इसके अंदर ना करते ना पीछे भी चार आदमी इजीली यहाँ बैठ सकते हैं। और मैं दरवाजे भी देखो बंद करके दिखाता हूँ, ऐसे होता है। तो भाई चलो आपको रियर प्रोफाइल के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा इसका डोर खुलता था, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स है शीशे के लिए, आपके मिरर अप डाउन के लिए। यहाँ पे आपके डोर अनलॉक के लिए मिल जाता था। अंदर देख सकते हो आप आराम से, मतलब है ना कम से कम मिनिमम चार बंदे इजीली यहाँ बैठ सकते हैं सेकंड रो में। और थर्ड रो दिखाऊं तो थर्ड रो ये देखो भाई कितनी बड़ी है, मतलब इजीली इसके अंदर बंदे ना मस्त आराम से बैठ के जाएंगे, कम से कम चार बंदे लेट के जा सकते थे, इतनी बड़ी है, ठीक है। देखो और देखो दरवाजे की बिल्ड क्वालिटी, ये देखो भाई साउंड आई होगी कैसे, कितनी तगड़ी। मतलब जो मुझे इस गाड़ी के अंदर सबसे मतलब यूनिक चीज़ लगती है ना, वो एक तो इसका बूट स्पेस, ठीक है, यहाँ से। और इसका इंजन, इंजन जो कि मैं खोल के नहीं दिखा सकता भाई। रियर व्यू कुछ ऐसा है इसका, ठीक है। और साइड प्रोफाइल अगर उस साइड से दिखाऊँ आपको तो देख सकते हो आप ऐसे, यहाँ पर इसका फ्यूल गेज मिल जाता है। और बाकी नॉर्मल है गाड़ी भाई, मगर उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही बड़ी गाड़ी है। तो इसी के साथ यहीं तक थी ये वीडियो। भाई वीडियो बताना कैसी लगी, उसका भी रिव्यू डालूंगा, वो भी विंटेज गाड़ी है। तो जब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।